हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, देखिए पिछले वीडियो में हमने 50 नंबर तक का क्वेश्चन हल कर लिया था फ्रेंड, आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 51 का है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता में 100 पात्रों पर किस पक्षी का अंकन अधिक हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधु सभ्यता में 100 पात्र मिले हैं उन पर किस पक्षी का अंकन अधिक हुआ है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें मयूर, दूसरा है तोता, तीसरा है सीटी वाली चिड़िया, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मयूर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिला लेख में कितने अक्षर हैं। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधु सभ्यता का लेख का सबसे बड़ा शिला अक्षर है फ्रेंड, उसमें कितने अक्षर है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 17, चौथा है 25। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसकी उपासक थे। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधुवासी थे मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे फ्रेंड, वो किसके पूजा करते थे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है पक्षी, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है जननी, चौथा है काली। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जननी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में किस जगह पर स्थित है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें कराची, दूसरा है पेशावर, तीसरा है लरकाना, चौथा है लाहौर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी लरकाना, ठीक है। लरकाना में फ्रेंड मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में लरकाना जिले में फ्रेंड मोहनजोदड़ो का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सैंधव स्थलों से उत्खननों से प्राप्त मोहरे मिली थी फ्रेंड, उस पर किस पशु का चित्र जो है उत्कीर्ण मिला हुआ है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है हाथी, दूसरा है बैल, तीसरा है घोड़ा, चौथा है शेर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी बैल, ठीक है। देखिए फ्रेंड मेरे द्वारा बताया गया अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं गलत है, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, हड़प्पा के पतन के पश्चात उदय हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना है, हड़प्पा के पतन के पश्चात क्या उदय हुआ था। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है झांगर संस्कृति का, दूसरा है झूंगर संस्कृति का, तीसरा है कब्रिस्तान की संस्कृति का, चौथा है उपयुक्त सभी का। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी उपयुक्त सभी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधुवासी थे वो अपने खेतों की सिंचाई किस माध्यम से करते थे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है नहरों से, दूसरा है नदियों से, तीसरा है कुओं से, चौथा है नलकूपों से। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी नदियों से, ठीक है। सिंधुवासी जो है अपने खेतों की सिंचाई फ्रेंड नदियों से किया करते थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है फ्रेंड, सिंधुवासियों की गलियों की चौड़ाई थी। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधुवासियों की गलियां थी उसकी चौड़ाई क्या थी फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है 6 फीट, दूसरा है 5 फीट, तीसरा है 3 फीट, चौथा है 4 फीट। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 3 फीट, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है मिस्र, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है मेसोपोटामिया, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो लाल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ये हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, ये नहीं पूछ रहा है फ्रेंड कि किस रंग से वहाँ पे कलाकारी किया गया या फिर कलाकृति किया गया फ्रेंड।
क्योंकि देखिए जो मिट्टी के बर्तनों पर रंग होता था फ्रेंड, वो उसका रंग होता था लाल, ठीक है, लेकिन उस पे जो कलाकृति किया जाता था फ्रेंड वो काले रंग से किया जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से फ्रेंड आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लाल, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, मोहनजोदड़ो के गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जल कुंड है, उसकी माप क्या है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो मोहनजोदड़ो के गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जल कुंड है उसका माप क्या है फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है फ्रेंड, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतें में किस आकार के ईंटों का प्रयोग हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधु सभ्यता के नगरों के इमारतों में ईंट का प्रयोग हुआ था फ्रेंड वो किस माप में थे, आइए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 26 × 3 12.5 सेमी, 5.5 सेमी, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, अग्निवेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड आपको बताना, जो अग्निवेदिकाएं हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है लोथल, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है कालीबंगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा है फ्रेंड, उसका उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में हुआ है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है रविंद्र सिंह बिष्ट, दूसरा है सूरज भान, तीसरा है वीवी लाल, चौथा है फ्रेंड एसएस तलवार, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64 का वो हो जाएगा वीवी लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, हड़प्पा में सबसे छोटी तोल बाट किसके बराबर थी। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सबसे छोटी बाट थी वो किसके बराबर थी फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है 11.5 ग्राम, दूसरा है 13.64 ग्राम, तीसरा है 12.25 ग्राम, चौथा है 13.2 ग्राम। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 13.64 ग्राम, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, आइसिस देवी प्रतिनिधित्व करती थी। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो आइसिस देवी है वो किसका प्रतिनिधित्व करती थी फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है नदी, दूसरा है तूफान, तीसरा है मरुत, चौथा है वर्षा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, लोथल में 17 कब्रों में से कितनी कब्र में दो दो व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं। तो फ्रेंड आपको बताना, जो लोथल में 17 कब्र मिले हैं फ्रेंड, उसमें कितने कब्र हैं फ्रेंड जिसमें दो दो व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो फ्रेंड जिसको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 3, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, सैंधव मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे मेल खाती हैं। तो फ्रेंड आपको बताना, जो सैंधव मूर्तियां हैं वो किससे मेल खाती हैं फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है स्थानक बौद्ध मूर्तियों से, दूसरा है शयन मुद्रा वाली विष्णु मूर्तियों से, तीसरा है फ्रेंड कायत मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कायत कर्म मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्र पाषाण संस्कृति को कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो ताम्र पाषाण संस्कृति है उसे क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है कायस्थ संस्कृति, दूसरा है जोरवे संस्कृति, तीसरा है आहार संस्कृति, चौथा है झूंगर संस्कृति। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जोरवे संस्कृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड, लौह प्रयोक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो लौह प्रयोक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है कुदाल, दूसरा है हल,
तीसरा है भाला, चौथा है दरातिया। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत मिला। तो फ्रेंड आपको बताना है जो किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत प्राप्त हुआ है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है धातुमल, दूसरा है कीले, तीसरा है भाला, चौथा है चाकू। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी धातुमल। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए कर सिंधु लिपि लिखी जाती थी। तो फ्रेंड आपको बताना जो सिंधु लिपि है कैसे लिखी जाती थी। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है दाएं से बाएं की ओर, दूसरा है दाएं से बाएं दोनों ओर, तीसरा है फ्रेंड बाएं से दाएं की ओर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि है फ्रेंड वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है, सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे। तो फ्रेंड आपको बताना जो सिंधुवासी थे किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है पीपल, दूसरा है बरगद, तीसरा है नीम, चौथा है शीशम। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पीपल। जो सिंधुवासी थे फ्रेंड वो पीपल वृक्ष की जो है पूजा करते थे। देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड सुनने में ये भी आया है कि लोग बोल रहे हैं फ्रेंड कि एग्जाम का डेट जो है वो आगे टलेगा। तो फ्रेंड आप लोग इस चक्कर में ना पड़िएगा, आप कौन क्या बोल रहा है फ्रेंड आप उसको छोड़िए, आप लोग अपना टारगेट बना के चलिएगा फ्रेंड 7 और 8 अगस्त का। ठीक है, 7 और 8 अगस्त का टीजीटी वाले भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है फ्रेंड, R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थल से पाए गए हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो R37 नामक कब्रिस्तान है फ्रेंड वो किस स्थल से पाए गए हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है हड़प्पा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी हड़प्पा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का रहा फ्रेंड, भीषण अग्निकांड का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना है भीषण अग्निकांड का प्रमाण फ्रेंड किस स्थल से प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है रोजादी, दूसरा है मालवड़, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रोजादी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड आपको बताना जो आदि मानव थे चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें गेरू रंग, दूसरा है खड़िया मिट्टी रंग, तीसरा है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, चौथा है काला रंग। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। ठीक है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया है आदि मानव चित्र बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड, चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्योंकि गेरू रंग जो था फ्रेंड उसका प्रयोग करते थे बनाने के लिए। अगर यहाँ पे दिया होता फ्रेंड आदि मानव चित्र में क्या मिलाते थे, चित्र बनाने के लिए रंगों में क्या मिलाते थे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेरू रंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो पशु युक्त मोहरे हैं कहाँ पाई गई हैं। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है राजघाट, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है नालंदा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 का है, लोथल स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो लोथल है कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें अफगानिस्तान में, दूसरा है भारत में, तीसरा है चीन में, चौथा है पाकिस्तान में। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी भारत में। ठीक है, जो लोथल है फ्रेंड भारत के गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। तो फ्रेंड आपको बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता है फ्रेंड वो किस अवधि की मानी जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आप लोग इसका जो आंसर होगा फ्रेंड आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है,
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड आपको बताना जो प्रथम धातु मूर्ति है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट है वैदिक सभ्यता, दूसरा है मौर्य सभ्यता, तीसरा है सिंधु सभ्यता, चौथा है गुप्त सभ्यता। तो फ्रेंड जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सिंधु सभ्यता। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का है, पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कक्षा का चित्रकारी किस मर्तबान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना जो धूर्त लोमड़ी है उसका जो चित्रकारी किया गया फ्रेंड किस समय का हुआ है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है लोथल, दूसरा है सातवाहन काल, तीसरा है शुंग काल, चौथा है मौर्य काल। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लोथल। देखिए फ्रेंड ल से लोथल और ल से हो गया फिर धूर्त लोमड़ी, आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है, हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में कौन सी धातु काम में लाई जाती है। तो फ्रेंड आपको बताना है हड़प्पा काल में जो मुहरें बनाई गई थी फ्रेंड वो किस में बनी थी। देखिए ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है चांदी, दूसरा है पक्की मिट्टी, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है स्टीएटाइट। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी स्टीएटाइट। ठीक है, हड़प्पा काल में मोहरों का निर्माण जो है कौन सी धातु काम में लाई जाती थी। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउट में है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड हो जाएगा आपका पक्की मिट्टी, टेराकोटा माध्यम में फ्रेंड ज़्यादातर वहाँ के जो मोहरे हैं वो पाई गई हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, जैसा होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की आकृति के साथ किन चार पशुओं का आकृति दर्शाया गया है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है भैंसा, गैंडा, हिरण एवं बैल, दूसरा है चीता, गैंडा, भैंसा एवं हाथी, तीसरा फ्रेंड भैंसा सॉरी फ्रेंड तीसरा है गैंडा, भैंसा, बैल और हिरण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी चीता, गैंडा, भैंसा एवं हाथी। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है, हड़प्पा सभ्यता का मानव किस देवता की पूजा अर्चना करता है। तो फ्रेंड आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता का मानव है फ्रेंड वो किस देवता का पूजा अर्चना करता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है पशुपति, दूसरा है विष्णु, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है गणेश। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पशुपति। हड़प्पा वासी जो थे फ्रेंड वो पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है। तो फ्रेंड आपको बताना जो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है कौन सी है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है गढ़ी, दूसरा है बृहद स्नानागार, तीसरा है दो मंजिला भवन, चौथा है अन्नागार। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अन्नागार। ठीक है, इसका जो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत है फ्रेंड वो अन्नागार है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 का है, फ्रेंड सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर कौन से पशु का अंकन अधिक किया गया है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं उस पर ज़्यादातर किस पशु का जो है चित्र बनाया गया है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है बैल, चौथा है हिरण। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बैल। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये भी क्वेश्चन डाउट में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या दिया है, अंकन अधिक किया गया है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर दिया होता कि नहीं किया गया फ्रेंड तब आपका बैल हो जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि शेर, हाथी और हिरण फ्रेंड उस पर पाया गया है जबकि बैल का वहाँ पर चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, फिर भी फ्रेंड आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर दिया होता कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर कौन से पशु का अंकन नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है फ्रेंड दिया होता तब यहाँ पे बैल जो है राइट हो जाता। ठीक है, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है, भारत में हड़प्पा कालीन की सर्वाधिक विशाल बस्ती है। तो फ्रेंड आपको बताना है भारत में हड़प्पा कालीन की सर्वाधिक विशाल बस्ती कौन सी है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि भारत में हड़प्पा कालीन जो सभ्यता की जो बस्ती है वो सबसे बड़ी कौन है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है कालीबंगा, दूसरा है धौलाबीरा, तीसरा है लोथल, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी धौलाबीरा। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगर राखी गढ़ी दिया होता तो राखी गढ़ी पहले स्थान पर होता, उसके बाद धौलाबीरा होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए राखी गढ़ी नहीं दिया है तो यहाँ पे धौलाबीरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 का फ्रेंड, रोजादी स्थल पर किसके प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है रोजादी स्थल पर किसके प्रमाण मिलते हैं। फ्रेंड देखिए, ऑप्शन फर्स्ट का है भीषण तूफान के, दूसरा है भीषण जल प्रवाह के, तीसरा है भीषण अग्निकांड के, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी भीषण अग्निकांड के। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का फ्रेंड, हड़प्पा को आक्रांताओं द्वारा कितनी बार लूटा हुआ जलाया गया। तो फ्रेंड आपको बताना है हड़प्पा को फ्रेंड आक्रांताओं द्वारा कितनी बार लूटा एवं जलाया गया है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें 4 बार, दूसरा है 6 बार, तीसरा है फ्रेंड 8 बार, चौथा है 2 बार। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 4 बार। ठीक है, देखिए फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड कह रहा है यहाँ पे, हड़प्पा में किसकी आकृति नहीं मिली। तो फ्रेंड आपको बताना है हड़प्पा में किसकी आकृति नहीं मिलती है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हाथी, दूसरा है शेर, तीसरा है ऊंट, चौथा है मोर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऊंट। ऊंट का फ्रेंड हड़प्पा में कहीं आकृति हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का है, हड़प्पा में मोहरों पर श्रेष्ठ आकृति किसकी मानी गई है। तो फ्रेंड श्रेष्ठ आकृति किसकी मानी गई है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है चीता, दूसरा है हाथी, तीसरा है पर्वती बकरा, चौथा है ककूद वाला बैल। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कुबड़ वाला बैल यहाँ पे होगा। फ्रेंड देखिए ककूद वाला बैल जो दिया है फ्रेंड, ये कुबड़ वाला बैल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 92 का है, दो पहिए वाली बैलगाड़ी किसमें बनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो दो पहिए वाली बैलगाड़ी है वो किस माध्यम में बनी। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है मिट्टी, दूसरा है लोहा, तीसरा है कांस, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का है, दाढ़ी वाली नग्न पुरुष आकृति किसकी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो दाढ़ी वाली नग्न आकृति पुरुष आकृति है फ्रेंड, वो किसकी है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है राजा, दूसरा है देवदूतों का, तीसरा है उपासकों का, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी उपासकों का। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का है, चन्हुदड़ो सभ्यता कितने स्तर का है। तो फ्रेंड आपको बताना जो चन्हुदड़ो सभ्यता है वो कितने स्तर का है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है 4, 5, 3, 8। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 3। ठीक है, चन्हुदड़ो सभ्यता में कितने स्तर है फ्रेंड, तो ये 3 स्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंहों से युक्त मानव कृतियां किसकी हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो सिंहों से युक्त मानव कृतियां हैं फ्रेंड, वो किसकी है। देखिए देवताओं की, दूसरा है उपासकों की, तीसरा है देवदूतों की, चौथा है राजाओं की। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी देवताओं की। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति का संबंध किससे है। तो फ्रेंड आपको बताना जो हड़प्पा संस्कृति है उसका संबंध किससे है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है चन्हुदड़ो, दूसरा है चन्हुदड़ो तृतीय, तीसरा है फ्रेंड चन्हुदड़ो, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी चन्हुदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 का है, जनरल कनिंघम को सैलखिड़ी की मोहरे सहित अनेक प्राचीन वस्तुएं किस सन में प्राप्त हुई। तो फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरल कनिंघम को सैलखिड़ी स्टीयटाइट की मोहरे सहित अनेक प्राचीन वस्तुएं किस सन में प्राप्त हुई। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें 1865, सॉरी फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें 1856, दूसरा है 1898, तीसरा है 1921, चौथा है 1931। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 1865 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धौलावीरा स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो धौलावीरा है कहाँ पर स्थित है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें हड़प्पा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है कच्छ की घाटी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कच्छ की घाटी। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, 5000 वर्ष पुराने जलाशय के अवशेष भारत में कहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो 5 वर्ष पुराने जलाशय के अवशेष है फ्रेंड, भारत में कहाँ से मिले। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है लोथल, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है रोपण। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी धौलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, धौलावीरा से उत्खनन में मिले जलाशय में कितनी सीढ़ियां हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है जो धौलावीरा से उत्खनन में मिले जलाशय था
उसमें कितनी सीढ़ियाँ थे फ्रेंड? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 23, दूसरा है 28, तीसरा है 32, चौथा है 35। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 32। ठीक है, 32 सीढ़ियाँ जो है मिली थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 101 कर रहा है, संपूर्ण स्थापत्य रचना सौंदर्य की दृष्टि से उजाड़ ही है, किंतु रचनात्मक प्रणाली पदार्थों की परिष्कृत होना, मजबूती होना आदि आश्चर्यजनक है, यह कथन किसका है फ्रेंड? उपयुक्त तो जो कथन है फ्रेंड वो किसका है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है बीवी लाल, दूसरा है पर्सी ब्राउन, तीसरा है दयाराम सानी, चौथा है राखालदास बनर्जी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 101 है फ्रेंड उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पर्सी ब्राउन। ये जो लेख है फ्रेंड वो पर्सी ब्राउन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है, तांबे की मोहरे सिक्कों के रूप में प्रचलन में थी, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड जो तांबे की मोहरे सिक्कों के रूप में प्रचलन में थी फ्रेंड, ये कथन किसका है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है पर्सी ब्राउन, दूसरा है वीवी लाल, तीसरा है श्री अग्रवाल, चौथा है स्टुअर्ट पिगार्ड। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है, सिंधु घाटी में दुर्ग का निर्माण कहाँ किया जाता था? तो फ्रेंड आपको बताना है जो सिंधु घाटी में दुर्ग का निर्माण किया जाता था फ्रेंड वो कहाँ किया जाता था? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है मैदान में, दूसरा है घाटी में, तीसरा है टीले पर, चौथा है नदी किनारे। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी टीले पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 का रहा है, सिंधु सभ्यता का कालीबंगा क्षेत्र कहाँ है? तो फ्रेंड आपको बताना जो सिंधु सभ्यता का कालीबंगा क्षेत्र है फ्रेंड वो कहाँ पे? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है घग्गर के किनारे, दूसरा है नील नदी के किनारे, तीसरा है यमुना के किनारे, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो फ्रेंड कालीबंगा क्षेत्र है वो घग्गर नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का रहा है, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड आपको बताना जो जूते हुए खेत के प्रमाण है फ्रेंड वो कहाँ से मिले? देखिए ऑप्शन फर्स्ट का लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है रोपड़, चौथा है हड़प्पा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कालीबंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है, सतलुज नदी के दक्षिण किनारे पर बसे नगर का नाम जो सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो सतलुज नदी के दक्षिण किनारे पर बसा एक नगर है फ्रेंड जो सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है उसका क्या नाम है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है रोपड़, चौथा है लोथल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रोपड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है, सतलुज नदी के किनारे रोपड़ की दूसरी तरफ क्या है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो सतलुज नदी है फ्रेंड उसके किनारे दूसरी तरफ क्या है फ्रेंड? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है शिवालिक के पहाड़, दूसरा है सुंदरवन, तीसरा है चंबल घाटी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शिवालिक के पहाड़। ठीक है, सतलुज के किनारे फ्रेंड रोपड़ के दूसरी तरफ जो है शिवालिक के पहाड़ स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 108 है, यगदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ स्थल की खुदाई किस सन में की गई? तो फ्रेंड आपको बताना है जो रोपड़ की खुदाई की गई थी फ्रेंड वो किस सन में की गई थी? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 108 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 1953 से 56 ईस्वी के बीच में। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 का रहा है, रोपड़ नगर की खोज किसने की? तो फ्रेंड आपको बताना जो रोपड़ नगर है उसका खोज किसने किया था फ्रेंड? देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है बीवी लाल, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है पर्सी ब्राउन, चौथा है अमलानंद घोष। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बीवी लाल। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है, रोपड़ नगर की खोज बीवी लाल ने किस सन में की थी? तो फ्रेंड आपको बताना जो रोपड़ नगर की खोज है फ्रेंड बीवी लाल ने खोजा था उसको किस सन में खोजा था फ्रेंड? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 110 है फ्रेंड उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1950 ईस्वी में फ्रेंड बीवी लाल ने जो है रोपड़ नगर की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। हिंदू सभ्यता में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता कहाँ के कब्रिस्तान में दफनाया जाता था फ्रेंड? देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है लोथल, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है हड़प्पा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी रोपड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का रहा है, रंगपुर का संबंध किससे है? देखिए कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों से, दूसरा है अजंता चित्रों से, तीसरा है सिंधु चित्रों से,
चौथा है फ्रेंड पाल शैली से। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सिंधु सभ्यता से। ठीक है, रंगपुर का संबंध फ्रेंड वो सिंधु सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है रंगपुर सिंधु सभ्यता से संबंधित किस राज्य में है। तो फ्रेंड आपको बताना जो रंगपुर है सिंधु सभ्यता से संबंधित फ्रेंड किस राज्य में। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करें पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी गुजरात। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित रंगपुर की खुदाई किस सन में हुई थी। तो फ्रेंड आपको बताना है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित रंगपुर है फ्रेंड उसकी खुदाई किस सन में हुई थी। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है फ्रेंड तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1953 से 54 के बीच में जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित रंगपुर की खुदाई की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है लोथल की भांति चावल के दाने अन्य किस स्थान पर मिले हैं। तो फ्रेंड लोथल की भांति चावल के दाने अन्य किस स्थान से मिले फ्रेंड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है रंगपुर, चौथा है रोपड़। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रंगपुर। ठीक है, देखिए फ्रेंड बीच का एक क्वेश्चन छूट गया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 115 जो है फ्रेंड देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है स्थल की खुदाई का कार्य किसके द्वारा करवाया गया। तो फ्रेंड आपको बताना है जो स्थल की खुदाई का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है बीवी लाल, दूसरा है माधव स्वरूप वत्स, तीसरा है एस रंगनाथ राव, चौथा ये तीनों। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ये तीनों। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर जो है फ्रेंड वो खुदाई करवाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है रंगपुर सिंधु घाटी स्थल मोहिलवाद प्रांत में किस नदी के निकट स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो रंगपुर है फ्रेंड वो मोहिलवाद प्रांत में किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है सरस्वती नदी, दूसरा है सुखभादर नदी, तीसरा है फ्रेंड यमुना नदी, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सुखभादर नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का रहा फ्रेंड धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है जो धान के भूसी के ढेर मिले हैं वो कहाँ से मिले। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कुली, चौथा है रंगपुर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी रंगपुर। ठीक है, जो धान के भूसी के प्रमाण है फ्रेंड वो रंगपुर से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित बनावली का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो बनावली है वो किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हरियाणा। ठीक है, जो बनावली है फ्रेंड वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है हड़प्पा कालीन बनावली स्थल की खुदाई किस सन में हुई। तो फ्रेंड आपको बताना है जो बनावली स्थल की खुदाई हुई थी फ्रेंड वो किस सन में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 120 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल जो बनावली है उसका खुदाई हुआ था। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है बनावली हिसार की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है कि जो बनावली था फ्रेंड वो किसके नेतृत्व में उसका खुदाई हुआ था। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है एस रंगनाथ राव, दूसरा है रविंद्र सिंह बिष्ट, तीसरा है वीवी लाल, चौथा है दयाराम साहनी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी रविंद्र सिंह बिष्ट यानी आर एस बिष्ट भी इन्हीं को कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है सिंधु सभ्यता के किस नगर की योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए कह रहा है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है रोपड़, चौथा है बनावली। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी बनावली। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है आलमगीरपुर नगर सिंधु सभ्यता से संबंधित भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड बताना है जो आलमगीरपुर है फ्रेंड वो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है फ्रेंड वो भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब।
तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलमगीरपुर जो है फ्रेंड वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है, आलमगीरपुर नगर किस जिले में है। तो फ्रेंड आपको बताना जो आलमगीरपुर नगर है फ्रेंड वो किस जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का हिसार, दूसरा है मेरठ, तीसरा है झांसी, चौथा है गोरखपुर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मेरठ, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में फ्रेंड आलमगीरपुर नगर जो है पड़ता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो 125 नंबर का होगा फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है जगदत्त शर्मा द्वारा आलमगीरपुर की खोज किस सन में हुई थी। तो फ्रेंड आपको बताना है जो जगदत्त शर्मा द्वारा आलमगीरपुर की खोज हुई थी फ्रेंड वो किस सन में हुई थी। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है 1952 ईस्वी, दूसरा है 1954 ईस्वी, तीसरा है 1958 ईस्वी, चौथा है 1959 ईस्वी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1958 ईस्वी। ठीक है, तो फ्रेंड ये आप लोगों के सामने हमने जो है क्वेश्चन 125 तक हल कर लिया फ्रेंड। बाकी का जो सीरीज होगा फ्रेंड वो नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।